हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेल तो आज हम नया क्यू कार्ड करने जा रहे हैं डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू टुक ए मेडिसन तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है व्हेन इट वाज हाउ यू टुक इट व्हाई डिड यू टेक इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट लेट्स स्टार्ट इट इज़ ऑबियस टू गेट एन इलनेस ड्यू टू चेंजिंग वेदर फूड पॉइजनिंग और सम टाइम्स ड्यू टू एन इंजरी वी हैव टू टेक मेडिसन्स फॉर ट्रीटमेंट बीमार होना स्वाभाविक है कई बार वेदर चेंज होने के कारण फूड पॉइजनिंग के कारण या कई बार इंजरी होने के कारण हमें ठीक होने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है बट वंस आई वी रिमेंबर वेन आई टुक मेडिसिन इट वॉज द टाइम ऑफ माई टेंथ क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स बिफोर फ्यू डेज ऑफ एग्ज़ाम्स आई हैड ए सीवियर फीवर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मुझे काफ़ी तेज बुखार था एट फर्स्ट इट सीम्स लाइक ए नॉर्मल फ़ीवर एंड आई थॉट इट वुड बी फाइन सोन पहले मुझे लगा कि यह नॉर्मल बुखार है और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा बट एट नाइट माई बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट टू राइस लेकिन रात में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया वैन माई मदर चैकड फीवर विद द थर्मोमीटर इट वॉज वन हंड्रेड टू सेल्सियस माई मदर गेम मी एन एंटी पायरेटिक पिल इट रिलीफ मी ए लिटल एंटी पायरेटिक पिल होती है जो बुखार को कम करती है जैसे कि पैरासीटामोल ठीक है माई मदर गिव मी एन एंटीपायरेटिक पिल इट रिलीफ मी ए लिटल इसने मुझे थोड़ा आराम दिया द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द फ़िजिशियन माई ब्लड सैंपल्स वर टेस्टेड देयर एंड आई डायग्नोज विद टाइफाइड फ़ीवर मैं अगली सुबह फिजिशियन के पास गया वहाँ पर मेरे ब्लड सैंपल हुए और मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ द डॉक्टर प्रस्क्राइब्ड मी एंटीबायोटिक एंड वाइटामस फॉर फाइव डेज डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स और वाइटामस पाँच दिनों के लिए प्रस्क्राइब किए एंड एडवाइस मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट इट वॉज़ ए हार्ड टाइम फॉर मी बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज़ माई एग्ज़ाम्स वर कमिंग ये काफ़ी मुश्किल समय था मेरे लिए क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे आई हैड ए सीवियर हैड एक विद फीवर एंड माई बॉडी फेंटेड मुझे काफ़ी तेज़ सर दर्द था बुखार के साथ और मेरी बॉडी भी थक चुकी थी The medicine taste was very bitter. It was very difficult to swallow. But after 3-4 days of medication, I was getting relief. After completing the 5 days medication, I cured and I was able to give my final exams. After that, I started focusing on my health. And now I eat healthy food and do regular exercise. टू कीप अवे फ्राम इलनेस उसके बाद मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया फूड और रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ बीमारियों से दूर रहने के लिए इट इज़ मैंडेटरी इफ़ यू डो नॉट वॉन्ट टू टेक मेडिसिन ये जरूरी है अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते सो देट वॉज द टाइम वेन आई टुक मेडिसन तो ये एक समय था जब मैंने मेडिसिन ली थैंक यू